गरबा पायल रसोई में शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेथी के पराठे। यह है मेथी, ये आधा किलो मेथी है। आप देख रहे हैं मैंने साफ करके डंठल समेत ले लिया है। ये डंडी आप देख रहे हैं कच्ची है, इसलिए मैंने ले लिया है। आप चाहो तो ये पत्ते समेत ले सकते हैं इस तरह से तोड़ के। और मैं इसको मिक्सी में पीसने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसका डंठल फेंका नहीं और मैंने अच्छे से धोया है। आप भी जब भी बनाते हैं तो अच्छे से धोएं, क्योंकि इसमें मिट्टी काफ़ी निकलती है, तो इसलिए साफ पानी से 3-4 बार अच्छे से धो लें पहले। अब बनाते मेथी, इस सर्दी की शुरुआत हो गई है और मेथी भी फ्रेश आने लगी है मार्केट में, तो बनाते हैं आज मेथी के पराठे। अब स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इसको मिक्सी से पीसते हैं। अब चाहे तो इसको बारीक काट के भी बना सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मिक्सी जार में डाल लेते हैं और बारीक पीस लेते हैं। अब इसमें चाहो तो अदरक लहसुन या फिर हरी मिर्च डाल सकते हैं, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक डालूँगी। इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको पीस लेते हैं। ये मैंने मिक्सी से पीस के तैयार कर लिया है, इस तरह से पीस लेना है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, मतलब पानी जैसा नहीं है, वैसे मैंने इसको पतला पेस्ट की तरह तैयार कर लिया, जैसे पालक पीसते हैं उसी तरह से पीस के तैयार कर लिया है। और एक बाउल मैंने लिया है गेहूं का आटा। अब इसको एक परात में डाल लेते हैं और आटा लगा लेते हैं। इस आटे में डाल लेते हैं, और आटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आटा लेंगे तो पराठा का कलर अच्छा नहीं आएगा, ग्रीन ग्रीन दिखाई नहीं देगा, इसलिए हिसाब से लें। और इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अजवाइन को थोड़ा सा मसल के डालें, इसको गूंद लेते हैं। आटा भी तैयार हो गया हमारा, थोड़ा सा इसमें तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा, इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लूज नहीं गूंदना, बिल्कुल नॉर्मल गूंदना है, जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह से। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, जो मेथी का जो पेस्ट तैयार किया था उसी से गूंद के तैयार किया है। अब पराठा तैयार कर लेते हैं। अब इसकी पेड़ी तोड़ लेते हैं, मैंने एक साइड तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस आटे से पूड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम तो इससे पराठा तैयार कर रहे हैं। अब बेल लेते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर आटा छिड़क सकते हैं, ये आटा है, इस तरह से लगा लेंगे, इसको बेल लेते हैं। जैसे मर्जी आपको बेलना बेलें, गोल या फिर चौकर जैसे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और बीच में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इस तरह से, आपकी मर्जी जैसे बेलना बेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, जैसे रोटी बेलते उसी तरह से बेलना है। फिर आप ऑयल या फिर बटर या फिर घी में भी सेक सकते हैं पराठा को, मैं ऑयल से बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। ये पराठा सीक चुका है, अब निकाल लेते हैं और एक अलग तरीके से बना के दिखाती हूँ। फिर से इसको गोल बेल लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं अच्छे से इस तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़कते हैं। सूखा आटा डालने से थोड़ा सा पराठा में करारेपन होता है, या तो आप इस तरह से भी रोल कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे करके जिस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं उसी तरह से। फिर से सूखा आटा लगा के इस तरह से बेल लेते हैं। फिर से इसमें ऑयल डालते हैं, गैस के फ्लेम हाई टू मीडियम पे रखेंगे।
इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि अच्छा करारा पराठा बन के तैयार हो। ये भी सीख के तैयार हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। पराठा बन के रेडी हो गया है। मैंने इसमें थोड़ी सी दही रखी है, ऐसे वाइट बटर रख देते हैं और हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी आपको मेथी का पराठा रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।